में हो गई और सरकार जो है वो पिकनिक मना रही थी। बहुत दुखद घटना है, एक हिंदू बेटी जो एक तरफा प्यार के कारण, जैसा समाचार पत्रों में और बाकी जगह पता चला, एक शाहरुख नाम के लड़के ने उनकी बात नहीं मानेगी इसलिए पेट्रोल छिड़क करके उसको जिंदा जला दिया। वो लड़की अपने जीवन और मृत्यु के लंबे संघर्ष के बाद आज सुबह उसने दम तोड़ दिया। दुर्भाग्य यह है कि राज्य की सरकार जो अभी वर्तमान में है उसने दायित्वों को निर्वहन करना नहीं समझा, उचित समझा। उस बेटी को बचाने के किसी प्रकार का कोई प्रयास सरकार के ना मुखिया ने किया ना उनके भाई जो दुमका से विधायक है उन्होंने किया। ये बहुत ही अफसोस और दुखदाई है, निराशाजनक भी है और आक्रोश पैदा करने वाला भी है। तुष्टीकरण की राजनीति की पराकाष्ठा को इन्होंने प्रदर्शित करने का फिर एक बार काम किया। ना उन्होंने उनके खिलाफ कोई बयान दिया, ना उनको कहीं पर सजा या फिर कोई त्वरित कार्रवाई की जिससे वो बच्ची की जान बच सके। ये समाज को तोड़ने का, समाज को विभक्त करने का जो कार्य है, और ऊपर से जिस तरह से वो पिकनिक मना रहे हैं, ये जले पे नमक छिड़कने जैसा है। उस बेटी को निश्चित रूप से न्याय दिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी कार्य करेगी, उसकी आत्मा को सदगति प्राप्त हो और उनके परिवार को इस दुख को सहने का, ये दुख तो है आक्रोश भी है, लेकिन इस दुख और आक्रोश की घड़ी में हम सब लोग उनके साथ खड़े हैं। आप जरूर न्याय मिलेगा, हम लोग उसके लिए संघर्ष करेंगे।